हम क्वेश्चन नंबर 23 आपके बुक का करेंगे। कुछ मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं पहले, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। हम करेंगे आज सेकंड मेथड जिसका नाम था रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कुछ ऐसे बच्चे हो भी सकते हैं जो ये वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं वो SLM उनको नहीं आता हो, ऐसे बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि SLM थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, इस तरीके के भी स्टूडेंट यहाँ बैठे होंगे। आज मेथड दूसरा है, तो मैं जिसको SLM नहीं आता या जिसको थोड़ा थोड़ा SLM आता है, अगर वो WDV को ध्यान से कंसंट्रेट करके देखे और समझे, अगर WDV आ गया तो SLM ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी क्वेश्चन आज भी नए सिरे से स्टार्ट है। मान के चलो आज एक तरीके से न्यू में डेप्रिसिएशन स्टार्ट ही कर रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो हमारा मेथड है WDV, जिसको तीन नाम से जानते हैं, रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर लिख लिया था कि इसके तीन तीन नाम हैं। तो हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 23 उसको करेंगे, और नोटिंग मत करना, पहले समझ लेना, उसके बाद फिर हम नोटिंग करते रहेंगे। एक बुक देना। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, कहता है मैसेज पी एंड क्यू परचेज अ मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। पी और क्यू कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक मशीन खरीदा 40,000 का और खरीदा 1 अक्टूबर 2016। तो ये रहा, इसने मशीनरी खरीदा 1/10/2016, M1 खरीद लिया सपोज। आगे कहता है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन 10% लगेगा डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से। तो जो ये डिमिनिशिंग बैलेंस लिखा है ना, यहां से पता चला कि भाई ये जो हमारा मेथड है ये सेकंड मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। कहता है ऑन 31 जैन 2019 1/4 ऑफ मशीनरी वॉज फाउंड अनसुटेबल। हमने जब 2016 में मशीनरी खरीदा तो हम उसको यूज करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जनवरी में 2019 के अंदर हुआ ये कि वो मशीनरी का एक पार्ट अनसुटेबल लगने लग गया, और वो पार्ट कितना था, 1/4। तो मैं इसको पहले ही 1/4 अगर करूं तो 1/4 आएगा 10,000 और रिमेनिंग आएगा 30,000। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, 1/4 10,000 और रिमेनिंग, क्लियर है ना ये पॉइंट कैसे निकाला हमने। अब मैं इसको 25% अगर बोलूं तो क्या वही मतलब होगा, बिल्कुल वही मतलब रहेगा, ठीक है ना, 1/4। तो जब कोई मशीनरी खराब हो जाता है ना, चल रहा है बीच में खराब हो जाए, तो या तो पूरे मशीन को बेच दो भाई, या तो जो पार्ट खराब हुआ उस पार्ट को अलग कर दो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपका पूरा CPU पूरा होता है, लेकिन आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि CPU के अंदर जो आपका DVD राइडर होता है उसका यूज ना के बराबर हो गया है। मैंने तो नहीं देखा कि किसी को यूज करता, बस उसका एक ही काम आता है, विंडो को रन करने के लिए। तो अगर आपका DVD राइटर खराब हो गया तो क्या आप कंप्यूटर चलाना बंद कर दोगे, नहीं, उससे कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हालांकि आप DVD राइटर सोचोगे खराब हो गया, इस हिस्से को निकाल के क्या कर दो, बेच दो, तो DVD राइटर का कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा, 5% 10%, तो हम उसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एसेट्स के ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हम जब एसेट्स को खरीदते हैं तो सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम जाने के बाद उसका एक हिस्सा खराब हो जाता है, तो हम पूरे एसेट्स को नहीं बेचते, सिर्फ उस हिस्से को बेचा जाएगा, ठीक है ना। जब ऐसा सिचुएशन हो तो हम स्टार्टिंग से ही जो हिस्सा बिक रहा है उसको अलग करके चलेंगे। तो ये वाला पार्ट बिकने वाला है, और ये पार्ट कब खराब हुआ हमारा, कहता है 31/1/2019 में ये पार्ट मुझे लगने लगा कि खराब है, अनसुटेबल एंड डिस्पोज्ड ऑफ। अब सेंटेंस आता है डिस्पोज्ड ऑफ का क्या मतलब है, तो डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है कि हमारे एसेट्स को बेच देना। यहां पे डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है बेचना, तो क्या बेचा, सिर्फ इस पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को मैंने सोल्ड कर दिया, कितने का, 5600, 5600 रुपीज का इस पार्ट को मैंने क्या करा, सोल्ड कर दिया। यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं हम कि क्या कहता है कि इसने क्या करा, एक मशीनरी खरीदा 40,000 का, डेप्रिसिएशन 10% प्रोवाइड, डिमिनिशिंग बैलेंस, और एक 1/4 पार्ट बेच दिया। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी परचेज
उसी दिन नई मशीनरी। अब उस दिन की बात, मेरे पास दो डेट है, एक ये वाला डेट है और एक ये डेट है, तो किस डेट पे नई मशीनरी खरीदा गया? 31-1, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 31-1-2019 को एक मशीन खरीद लिया गया जिसको मैं M2 बोल सकता हूँ। 15,000 रुपए का मैंने क्या करा, M2 बोल सकते हैं, 15,000 रुपए का मैंने इसको खरीद लिया। अगर आगे देखा जाए, सबसे पीछे वाले डेस्क पे बैठ जाओ, पीछे वाले डेस्क पे चलना। आपने कर लिया, क्वेश्चन हो गया वो, उसके नेक्स्ट वाला करो, कंटिन्यू में करते रहना अभी, फिर मैं चेक कर दूंगा। तो क्या कहता है आगे के, डिस्पोज्ड ऑफ 5600 ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी परचेज और राइट अप अ डेप्रिसिएशन अकाउंट। कई बार सॉरी राइट अप अ मशीनरी अकाउंट, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर जिसके अंदर बनाना सीख रहे हैं मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट कई बार ऐसा बोला जाता है कि प्रिपेयर अ लेजर या राइट अप लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट जब बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, क्या हमें जर्नल करना चाहिए, क्या उस केस में हमें फिर पोस्टिंग करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा पहले प्रोसेस है कि हमें डायरेक्टली मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। हमारा मशीनरी अकाउंट भी एक काइंड ऑफ लेजर है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा सकता है। आगे कहता है 31 मार्च 2017, 18, 19 तक का अकाउंट प्रिपेयर करना है। 31 मार्च को हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है? किसी को डाउट किसी सेंटेंस में? हमने मशीनरी खरीदा, उसका 1/3 पार्ट 1/4 पार्ट बेच दिया और एक और मशीनरी खरीद लिया। अकाउंटिंग ईयर कब खत्म करना है, 31 मार्च 2019 तक प्रिपेयर करना है। तो अब देखो वर्किंग नोट, सबसे पहले तो ये जो डेट आएगा डेप्रिसिएशन का वो आएगा 31-3-2017, यहां पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो यहां से यहां तक काउंट करें तो 6 महीने होते हैं, तो 500 रुपये लगेगा। 500 रुपये कैसे, 10,000 इंटू में 10/ इंटू में 6/ 500 रुपये आ गया। किसी को डाउट? अब जो डेट निकल के आएगा मेरे पास 1/4/2017, ये आया मेरे पास 9500 रुपीज। इस पे भी ऐसे ही लगाना है भाई, कब तक लगाना है, 31-3-2017 तक। अब इस पे लगेगा 1500 रुपए। अब 1500 कैसे कैलकुलेट हुआ, जैसे मैंने यहां पे 10,000 करा है वैसे यहां 1500 रुपए कर दिया मैंने, जैसे 500 निकाला था, तो 28,500। ये डेट हमारा कौन सा आने वाला है, ये डेट बता सकते हो क्या, 1/4/2017। यहां तक हर स्टूडेंट को क्लियर है पॉइंट? अब चलो यहां तक तो हम, मैं अगर किसी से बोलूं बिना किसी मेथड के, बताओ कौन सा मेथड है, तो स्टूडेंट बोलेगा पता नहीं सर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो SLM और WDV सब एक जैसे ही होता है। सेकंड ईयर आएंगे हम, सेकंड ईयर आएगा 31-3-2018, अब अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा 950, यही तो फर्क है। 950 कैसे लगा, 95,000, 9500 मल्टीप्लाई डेप्रिसिएशन की, यही तो खासियत है WDV वाले मेथड की, के किस पे लगता है हमारा, बाकी पे लगता है। और इसके बाद 31-3-2018 28,50, 31-3-2018 28,50, समझ में आया क्या, कैसे आया, ये भी डेप्रिसिएशन है। अब माइनस करते हैं 8550, डेट आ गया 1/4/2018, अब माइनस करते हैं 28,500 पे 10%, और ये आ गया मेरा 25। यहां तक समझ आया, यानी WDV में बैलेंस जो निकलता है ना उस पे निकालते हैं हम डेप्रिसिएशन। अब चलो आ जाओ, अब इस पे कब तक डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, अगर मैं चाहूं 31-3-2019 तक लगाना तो क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इसे बेचा है, आप ध्यान दो डेट पे, 31-1 को बेच दिया गया, इसका मतलब ये तो मशीनरी है ही नहीं इस दिन, तो डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ 31-1-2019, इस बात को समझो आप, 31-1-2019 कितने मंथ का, 10 महीने का, काउंट करते हैं चलो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन भी पूरा लगेगा, 31 जनवरी को बेचा गया, तो कितने महीने का डेप लगाएंगे,
10 महीने का। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे, अगर मैं अगर इसे एग्जाम में क्वेश्चन देता ना, तो जैसे आपने अभी 9th मंथ का निकाला है, तो काफी सारे बच्चे 9th मंथ का निकाल के कर देते हैं, और वो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, देखो कि बस थोड़ा सा ही तो गलत हुआ है, नंबर मिल जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। अगर आपने मिस्टेक किया है तो आपको उम्मीद नहीं होना चाहिए कि आपको मार्क्स मिलेगा उस केस में। तो उस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स देगा वो। तो इस पे 9 मंथ का निकाल, 10 मंथ का निकालते हैं, 8550 इंटू में 10/100 इंटू में 10/12। अब इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो 712.50 रुपए आया। अब यहां पे एक पॉइंट और सुनना आप, 712.50 रुपए, लेकिन मैं यहां पे कैलकुलेट लिख रहा हूं 712 रुपए। WDV मेथड के अंदर हर बार डेप्रिसिएशन अलग नया निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि हर बार कैलकुलेट करते हैं, हर बार न्यू आता है। तो इसके अंदर ना पॉइंट में आंसर आएगा, अगर मैं आपसे बोलूंगा तो पॉइंट में। तो पॉइंट के बाद आप सबने 10th क्लास तक सीखा है मैथ्स के अंदर कि 10.9 हो तो इसे आप 11 मानो, और आपने सीखा है 10.8 हो या 10.4 हो तो इसको क्या मानो, राउंड फिगर करना। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। इसको क्या बोला जाता है, राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ का मतलब डेसिमल को हटाओ और कोई एक परफेक्ट डिजिट मान लो। अब हमें क्या करना है भाई, हमें कैसे चलना है, देखो आप 10.4 को 10 मान लो तब भी आंसर करेक्ट है, 11 मान लो तब भी आंसर करेक्ट है, और आप इसके अंदर दोनों तरफ अपर केस में भी और लोअर केस में भी राउंड अप कर सकते हो। मैं बोलूंगा आपको कि आप कितना करो, आगे वाले जो भी डिजिट है छोड़ो, मैं 10 मान लूंगा। अगर मेरा 11.999 भी है तब भी मैं 11 ही मान सकता हूं, तब भी मेरा आंसर करेक्ट होगा। इसके वजह से क्या होगा, बुक के आंसर में और हमारे आंसर में थोड़े डिफरेंसेस आएंगे जो कैलकुलेशन करोगे। तो जब कभी भी बुक के आंसर में आपके डिफरेंसेस आ जाए तो 4 से 5 रुपए तक का डिफरेंसेस है तो आप अपने आंसर को करेक्ट मान लेना। क्यों ऐसा डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम राउंड फिगर क्या पता अपर केस कर रहे हैं, लोअर केस कर रहे हैं, बुक वाले किस तरीके से कर रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन बुक वालों का भी आंसर करेक्ट होगा और हमारा भी आंसर करेक्ट होगा। तो 2 से 4 यानी 5 रुपए तक का मैं बता रहा हूं आपको, 5 रुपीज तक का अगर एरर है तो आप क्या मानोगे कि हमारा एरर नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट की वजह से आंसर में क्या आ गया, फर्क आ गया। अब एग्जामिनर के पास जो आंसर की आएगा, क्या एग्जामिनर उसी आंसर की के बिहाफ पे काम करेगा, बिल्कुल नहीं। उस केस में 1-2 रुपए उनको भी पता होता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है उस केस में, तो उसकी चिंता मत करने का, बिल्कुल आना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं 7.5 लिख दूं तो चलेगा, लिख दोगे, लेकिन आपको भी पता है पॉइंट वाले डिजिट को माइनस और प्लस करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और वहां मिस्टेक करने के चांसेस क्या है, हायर है। इसलिए मैं 712.5 या 713 भी मैं लिख दूं ना तो सही है, 712 भी लिख दूं तो मैं सही है, मैं 712 लिखना पसंद करूंगा। जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो पॉइंट डेसिमल में, ठीक है ना। अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं 712, तो ये आ गया मेरा 7838। अब यहां पे लेस कर देते हैं बैंक से सेल, सेल माइनस करो 5600। अगर मैं इसमें से सेल्स माइनस कर दूं तो 2238। बुक का आंसर देखोगे तो 22 क्या रहा है, 38 मैच हो रहा है, 37 हो रहा है। लेकिन क्या मेरा आंसर गलत है, नहीं। क्या बुक का आंसर गलत है, नहीं। वो राउंड फिगर करने का बस मिस्टेक है कि उन्होंने अपर केस में लिया, मैंने लोअर में ले लिया। समझ में आ रहा है, यानी WDV के केस में अगर 2 से 4 रुपए का फर्क आए तो आंसर को आप गलत मत मानना, आंसर क्या है ठीक है, ठीक है। इसको हाँ 714 नहीं कर सकता, 715 नहीं कर सकता, 718 नहीं कर सकता। अगर आपने मान लो गलती से 714 कर दिया और बोलो सर 2 रुपए का ही फर्क है, तो वो गलत है आपका, पॉइंट की वजह से होना चाहिए बस, ठीक है। ये फर्स्ट मशीनरी का काम कंप्लीट। अब सेकेंड मशीनरी क्या बिका हमारा, इस पे डेप्रिसिएशन तो लगा ही सकते हो, 31/3/2019 तक क्या आएगा, 2565। देखो भाई 2565 पूरे साल का लगेगा, क्योंकि ये मशीनरी क्या हमने बेचा है, नहीं बेचा इस मशीनरी को। कैसे आया 2565, इसका आंसर देखो मैं यहां बता देता हूं, 25650 मल्टीप्लाई 10/100। WDV है इसलिए इस पे हमने लगाया है, तो ये आ गया हमारा आंसर 23। कोई डाउट, क्लियर। अब ये मशीनरी M3 M2 है मेरे पास, M2 पे डेप लगेगा कब लगेगा, 31/3/2019, कितने महीने का,
दो महीने का। जनवरी तो लगेगा ही नहीं ना, 31 जनवरी को खरीदा है, फरवरी और मार्च, तो कितने महीने का लगेगा? 2 महीने का। तो 2 महीने का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 250 रुपये आएगा। कैसे आया 250 भाई? 15,000 मल्टीप्लाई 10/(x) में 2/12 कितना आ गया? 250। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और 14,750। क्या वर्किंग नोट में किसी को डाउट कैसे कैलकुलेशन हुआ? अगर ये कैलकुलेशन आ गया तो पोस्टिंग बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। किसी को डाउट है वर्किंग नोट में? क्लियर कैसे कैसे मैंने निकाला? माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ। अब हम ईयर वाइज देखेंगे। फर्स्ट ईयर में अगर हम चले, फर्स्ट ईयर मेरा स्टार्ट होगा 1/10/2016 और एंड होगा 31/3/2017। इस ईयर में जब कभी भी आप फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करो तो आपके माइंड में डेप्रिसिएशन तो लगना ही है, वो तो है ही पार्ट हमारा। सबसे पहले चेक करो क्या इस साल में कोई मशीनरी हमने न्यू एक मशीनरी खरीदा है, तो उसके लिए तो स्टार्टिंग में तो हम टू बैंक लिख रहे हैं और 40,000। आपको ऐसा नहीं करना 30 और 10 इकट्ठा लिख दो। कई बार क्या होता है मशीनरी खरीदते हैं उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज भी होता है, तो आप उसको अलग अलग मत दिखाओ, दिखा दो गलत नहीं है, लेकिन आप इकट्ठा लिख दो। अब इस पूरे साल में 1/10/2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में एक मशीन खरीदा लिखा, क्या कोई और मशीनरी भी खरीदा है? नहीं खरीदा। क्या कोई मशीनरी बेचा है? नहीं बेचा। जब मशीनरी खरीदा नहीं, मशीनरी बेचा नहीं, तो अब हमारा फाइनल क्या कंक्लूजन आएगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन का। तो यहां डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का मतलब कौन सा? एक तो ये लगेगा डेप्रिसिएशन, डेट देखो, डेट से डेट मिलाना है आपको, और एक ये डेप्रिसिएशन, इसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन आएगा 2,000 रुपये। कैसे आया 2,000? 500 + 1,500, ठीक है। चलो फर्स्ट ईयर हो गया ये लो कंप्लीट, ये आ गया मेरा 40,000, ये 40,000। इसके बाद यहां बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी 30, और ये डेट आएगा 31/3/17, ये डेट जो आएगा 1/4/2017, यहां आने वाला है टू बैलेंस। अब कुछ बच्चे का मिस्टेक देखो, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, छुट्टी पे थे, वो ये सोच रहे सर ये बैलेंस बीडी कहां से आएगा, ये जो यहां सीडी निकला है ना। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं सर ये सीडी कैसे आया, इस टोटल को इसमें माइनस करके। नहीं है, लास्ट क्लास में मैंने डाउट क्लास रखा था तो बच्चे पता है कैसे कर रहे थे? एक तो उनको ये नहीं पता था, वो यहां पे भी पता है क्या लिख रहे थे? 40,000 ही लिख के चल रहे थे। मैंने बोला भाई बैलेंस बीडी होगा। और दूसरा मिस्टेक पता है क्या करा बच्चों ने? यहां पे तो उसने 38 लिखा, लेकिन एक बार फिर टू बैंक लिख दिया, और टू बैंक लिख के फिर से 40,000 लिख दिया। वो ये मान रहा है कि मशीन को हम हर साल खरीदेंगे। ये एरर करते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप लोगों को आता है तो आपने तो समझ गए, इसलिए बैलेंस बीडी ये आ जाएगा। आप सोचो जो ऐसे ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो उनको आ नहीं रहा बिल्कुल भी। चलो अब हमारे पास दूसरा साल स्टार्ट हुआ और खत्म पता है कब होगा? 2018 में। चेक करो क्या 2018 तक, 31 मार्च 2018 तक कोई मशीनरी खरीदा है, कोई मशीनरी बेचा है? तो एक ही पॉइंट रह गया किसका? डेप्रिसिएशन का। अब ये लगा देंगे बाय, अब डेप्रिसिएशन दूसरे साल का एक ये तो 950 प्लस में 2850, 3800, ठीक है। अब इस साल में लास्ट 38,000 और 38,000 बाय बैलेंस सीडी 34,200, 31/3/2018। अब 1/4 पे आ जाते हैं, टू बैलेंस बीडी 34,200। अब इस साल का एंडिंग कब होगा? 31 मार्च 2019। इस साल के बीच में पहले चेक करो कोई खरीदा है, एक खरीदा है, उसका डेट लिखते हैं 31/1/19 को, और टू बैंक से खरीद लिया परचेज, और ये खरीदा 15। क्या जब जब मशीन खरीदेगा तो टू साइड में? बिल्कुल डेफिनेटली टू साइड में, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। इसके बाद क्या बेचा है? एग्जैक्टली अब जब बेचा है तो हमें तीन चीजें वहां से निकलेगा, जो बिका उसका डेप,
कितने का बिका और उसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, तो 31/1/2019 तक बाय डेप्रिसिएशन जो बिका है उसका डेप्रिसिएशन 700। अब उसके बाद 31/1/19 कितने का बेचा गया, सोल्ड कितने का किया, ठीक है। इसके बाद होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये आ गया आपका 223। कोई डाउट? यानी मशीनरी खरीद लिया, बेच लिया, अब क्या काम रह गया डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन लगाओ 31/3। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन रिमेनिंग पे। अब बोलोगे सर रिमेनिंग ये वाला थोड़ी ना बिका है, इसका डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगेन आगे क्या होगा, फर्दर नई मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन 2। डेप्रिसिएशन 2 कितना? 250। ये लो हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट, और लास्ट में कर देंगे जाके 2 बैलेंस बीडी। पहले यहां बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं, 34,200 माइनस में 712 माइनस 5,600 37,835 रुपए बाय बैलेंस सीडी। डेट क्या है? 31/3। क्लियर? अब इसको बैलेंस बीडी बना देते हैं, समझ में आया? अब किसी बच्चे को कोई ईयर में वर्किंग नोट में डाउट है तो पूछो वर्किंग नोट में। हाँ, आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा ना, जो बिकता है वो तो पूरा निकल गया हमारे पास है। वर्किंग नोट में किसी बच्चे का डाउट? नहीं डाउट। पोस्टिंग में कोई एंट्री है डाउट? पोस्टिंग में अब फटाफट से नोट करिए अगर डाउट नहीं है। कौन से 10,000? हाँ ये 10,000 किधर? हाँ उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 30,000 10,000 को इस साइड करो, इस साइड करो। आप ब्रेकअप जो उसको दो, तोड़ो वो जैसे आपकी इच्छा हो, पहले किसी को रख दो, जो बिका उसे रख दो या जो नहीं बिका उसको, आपकी मर्जी है। कुछ टीचर आपको ये भी बोलेंगे वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं, आप अकाउंट के अंदर ही करके दिखाओ तो दिखा सकते हो, लेकिन मैं प्रिफेयर करूंगा कि आप इस तरीके से करो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, तो उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, मैं कहता हूं कि आप इसको करके ही रहो।